Good morning. Welcome back. My today's topic is spread of freedom struggle of 1857. अब कैसे शुरुआत हुई, कैसे स्प्रेड हुआ ये रिवॉल्ट 1857 का, इस पे नजर डालते हैं. बिगनिंग अपोजिशन ऑफ मंगल पांडे. ऑन 29 मार्च 1857 CE ही रिफ्यूज टू टियर द टॉप ऑफ फैट कोटेड कार्ट्रिज With his mouth and killed a British officer in Barrackpore. हुआ ये कि जब ये अफवाह फैल गई थी कि उस कार्ट्रिज जो कि मुंह से छीलनी पड़ेगी उसकी जो कवरिंग है वो काउ और पिक के फैट से कवरिंग बनाई गई है, ठीक है. तो ऐसे में मंगल पांडे पहले ऐसे इंडियन सिपाही थे जिन्होंने रिफ्यूज किया कि मैं ये कार्ट्रिज मुंह से नहीं छीलूंगा. जब उन्होंने मना किया ऑन 29 मार्च 1857 CE को, तो उनको फोर्सफुली उनके जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उन्होंने मुंह से छिलवाने की कोशिश करी, तो मंगल पांडे ने उन ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ने वाली थी क्या? नहीं. मंगल पांडे वॉज सेंटेंस टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857. ऑन 8 अप्रैल 1857 CE में क्या हुआ, मंगल पांडे को इस बात के लिए फांसी की सजा सुना दी गई, उनको फांसी लगा दी गई. अब जब मंगल पांडे को फांसी हुई तो पूरा देश जैसे आग में जल उठा. सेकेंड, रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशन इन मेरठ. अब क्या हुआ यहाँ पर, जैसे 8 अप्रैल को यहाँ पर फांसी हुई तो पूरा देश गुस्से में भड़क गया और अलग अलग जगहों के जो ये बात जैसे आग की तरह पूरे देश में फैली है ना, और जगह जगह पर जो इंडियन सोल्जर ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे उनका गुस्सा भड़क उठा और सबसे पहले रिवोल्यूशन हुआ मेरठ में. कब? ऑन 9 मई 1857 85 सोल्जर्स इन मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल्स एंड दे वर सेंटेंस टू 10 years imprisonment. क्या हुआ मेरठ में ऑन 9 मई 1857 में 85 सोल्जर्स जो थे मेरठ के उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इन राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे. तो इस बात के लिए उनको 10 साल का कारावास सजा सुना दी गई. द इंडियन सिपाहीज मर्डर्ड देयर ऑफिसर्स. अब जैसे कुछ मतलब 85 लोगों को जब जेल में डाल दिया गया तो बाकी के बचे हुए जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया, मर्डर देयर ऑफिसर्स. जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो तैनात थे वहां पर उनको मार डाला एंड ब्रोक ओपन द जेल. और क्या किया, जेल के सारे दरवाजे खोल दिए, अपने इंडियन सिपाहीज को यानी अपने साथियों को अपने साथ लिया एंड ऑन 10 मई दे मार्च टू दिल्ली. और वो किस तरफ बढ़ने लग गए, दिल्ली की तरफ. मतलब यहाँ पर 85 सोल्जर्स और बाकी के बचे हुए इंडियन सिपाहीज ये सब मिलकर कहाँ जाने लग गए, दिल्ली के लिए रवाना हुए. मतलब मंगल पांडे के बाद सबसे पहले जहां पर ये रिवॉल्ट एक्चुअली चालू किया वो प्लेस थी मेरठ. क्लियर? नेक्स्ट, रोल ऑफ बहादुर शाह जफर. कौन है ये बहादुर शाह, देखते हैं. द रिवोल्यूशनरी सोल्जर्स फ्रॉम मेरठ ऑक्यूपाइड दिल्ली. जब ये पूरा झुंड दिल्ली पहुंचा तो वहां पर ब्रिटिशर्स को पूरी तरीके से हरा कर उन्होंने दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया. ऑन 12 मई 1857 वो दिल्ली मेरठ के सोल्जर्स के हाथ में आ चुकी थी. दिस सोल्जर्स डिक्लेयर मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एज द किंग ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या किया, दिल्ली के जो मुगल एम्परर थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, घोषणा कर दी कि आज से ये किंग ऑफ इंडिया है. मतलब यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं है. यहाँ तक क्लियर हो गया? इन ऑर्डर टू री ऑक्यूपाई दिल्ली द ब्रिटिशर्स कॉल्ड देयर आर्मी फ्रॉम पंजाब. अब बहादुर शाह जफर को जब किंग डिक्लेयर कर दिया गया तो यहाँ पर इस मुकाम से, इस परेशानी से, सॉरी
निजात पाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पंजाब से आर्मी को बुलाया ताकि वो दिल्ली को वापस रीऑक्यूपाई कर सके। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैस्कर्ड एंड 100 वर हैंग। कितने हजारों लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड, बहादुर शाह को पकड़ लिया गया एंड डिपोर्टेड टू रंगून जेल वेयर ही डाइड इन 1862। उसको पकड़ के रंगून की जेल में शिफ्ट कर दिया गया जहां पर उनकी 1862 में मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर रिवोल्यूशन इन लखनऊ। ऑन 4 जून इंडियन सोल्जर सराउंडेड रेसिडेंसी इन विच अ ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस डाइड। क्या हुआ, लखनऊ के अंदर 4 जून को जो इंडियन सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिश रेसिडेंसी को घेर लिया और जिसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट हेनरी लॉरेंस मारे गए। इन मार्च 1858 अ ब्रिटिश ऑफिसर नेम कॉलिन कैंपल रीऑक्यूपाइड लखनऊ विद द हेल्प ऑफ गोरखा रेजिमेंट। अब क्या हुआ, ये 1858, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं 1857 की। ठीक है ना, जब 4 जून को रेसिडेंट के ऊपर हमला कर दिया गया था और जिसमें हेनरी लॉरेंस मारे गए थे, तो तब से लेकर मार्च 1858 तक उस रेसिडेंट पर कोई नहीं था, सिर्फ इंडियन का राज हुआ। और 1858 में ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था कॉलिन कैंपल, ठीक है, उन्होंने क्या किया, गोरखा रेजिमेंट की हेल्प लेकर वापस लखनऊ पे अपना कब्जा किया। आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर डाउट है तो कमेंट करिएगा। रेवोल्यूशन इन कानपुर। ऑन 5th जून 1857 द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर नाना साहेब एज पेशवा बाय टेकिंग पोजीशन ऑफ कानपुर। 5th जून 1857 में क्या हुआ, जितने भी अपने रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने कानपुर को पूरी तरीके से नाना साहेब को सौंप दिया। मतलब कानपुर का पोजीशन किसके हाथ में है, नाना साहेब, और वो वहां के पेशवा है, ये डिक्लेयर रिवोल्यूशनरीज ने कर दिया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहां के जो कमांडर थे जिनका नाम था मिस्टर ह्यूज विल, इन्होंने क्या किया, यहाँ की गतिविधियों को देखते हुए सरेंडर कर दिया कि मैं सरेंडर करता हूँ। फिर पूरी तरीके से कानपुर की जो बागडोर थी वो किसके हाथ में आ गई, नाना साहेब के। नाना साहेब वॉज कोऑर्डिनेटेड विद तात्या टोपे। नाना साहेब का पूरा साथ अगर कोई दे रहे थे तो वो थे तात्या टोपे। पर क्या हुआ, ऑन 6 दिसंबर, मंथ देखिएगा, दिसंबर जून है ना, 6 दिसंबर को क्या हुआ, कानपुर को वापस सर कैंपल ने रीऑक्यूपाई किया जिसको लखनऊ ने रीऑक्यूपाई किया था। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद कानपुर वापस ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। इस बीच में रिवोल्यूशन इन झांसी। तात्या टोपे कानपुर छोड़ के झांसी पहुंचे, तात्या टोपे रीच झांसी। ऑन 4th June 1857 CE सोल्जर्स रिवोल्टेड एंड डिक्लेयर रानी लक्ष्मीबाई एज देयर क्वीन। क्या हुआ, 4th June 1857 में जो झांसी के रिवोल्यूशनरीज थे, सोल्जर्स थे, है ना, इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट चालू किया और रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी डिक्लेयर कर दिया। सर ह्यूज रोज लेड सीज टू झांसी। फिर क्या हुआ, सर ह्यूज रोज नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने क्या किया, झांसी को सीज किया और बोला जाता है कि झांसी को 3 अप्रैल 1858 को ऑक्यूपाई भी कर लिया। इस बात से रानी और तात्या टोपे कंप्लेंट टूवर्ड्स ग्वालियर, दोनों ही ग्वालियर की तरफ बढ़े। रिवोल्यूशन इन ग्वालियर। अब क्या हुआ, जैसे ही ग्वालियर में तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई पहुंचे, इंडियन सोल्जर्स ने उनका स्वागत किया, बट बोथ ऑफ देम होस्टेड द फ्लैग ऑफ रिवोल्ट, है ना। जब वहां उन्होंने आंदोलन की बात करी तो इंडियन सोल्जर्स काफी खुश हुए, बट
द रूलर ऑफ ग्वालियर, बट जो राजा था ग्वालियर का जिनका नाम था सिंधिया, रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट, उसने पूरी तरीके से मना कर दिया कि मैं रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड ग्वालियर इन जून 1858 CE। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ग्वालियर को ऑक्यूपाई कर लिया था, और क्योंकि झांसी तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके थे अंडर द लीडरशिप ऑफ ह्यूज रोज। ब्रिटिश आर्मी ऑक्यूपाइड झांसी ऑन 3 अप्रैल 1858 CE। तो क्या हुआ, इस बात से दुखी होकर 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश आर्मी के साथ युद्ध का निर्णय लिया। जो युद्ध हुआ उस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बोला जाता है कि शेरनी की तरह लड़ी थी और शहीद हुई। ठीक है, तात्या टोपे जो कि वहां से फरार हुए उनको भी पकड़ा गया और बाद में उनको फांसी की सजा सुना दी गई। तो ये था रिवोल्यूशन इन ग्वालियर। फिर रिवोल्यूशन इन बिहार, इन जगदीशपुर इन बिहार, बिहार के जगदीशपुर एरिया के लैंडलॉर्ड कुंवर सिंह फाउट अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ऑन 26 अप्रैल 1857। शुरुआत में है ना फाउट किया था, बट ही रिमेन अनसक्सेसफुल, बट वो सफल नहीं हुए। दिस रिवॉल्ट वॉज क्रश्ड बाय विलियम टेलर एंड मेजर जेम्स कियो। ठीक है, इन दोनों के द्वारा ये जो बिहार के अंदर चलने वाला रिवोल्यूशन था उसको क्रश किया गया। द रिवोल्ट इन बनारस एंड अलाहाबाद, बनारस और अलाहाबाद में हो रहे रिवॉल्ट को भी क्रश किया गया, और उसको क्रश करने वाले कौन थे, कॉलोनल ने। ठीक है, अब अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई थी या हो गई होगी कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लोगों को लीडर बनाकर सोल्जर्स ने, जनता ने रिवोल्यूशन चालू किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो ये पूरा स्प्रेड आपको दिमाग में रखना है, इसको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1857 लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, चाहे रीजन हो, चाहे स्प्रेड हो, चाहे लीडर्स हो, चाहे रिजल्ट हो, है ना। तो आपको ये हर वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। डाउट्स होंगे डेट्स को लेकर, मंथ को लेकर डाउट्स होंगे, उसको क्लियर करने की कोशिश करिए बार बार समझ के, वीडियो को देख के, है ना। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा, पढ़ते रहिए, है ना। थैंक यू।